नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। खुले स्कूल। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च महीने से विद्यालय पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते बच्चों के पठन पाठन में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। सिर्फ कहने भर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित थी। वास्तव में इन कक्षाओं का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलती थी, जिसके चलते ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पाती थी। हालांकि अभी भी कोरोना वायरस की फैली महामारी का कहर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन गाइडलाइन के अनुसार आज 19 अक्टूबर से प्रदेश के सभी कक्षा 9 से लेकर 12 तक की कक्षाएं संचालित करने का आदेश के अनुसार खुले स्कूल, जिसमें तमाम तरह के नियम निर्देशों का पालन करते हुए खुले स्कूल, प्रमुख रूप से छात्र छात्राओं के अभिभावकों से विद्यालय भेजने के लिए सहमत पत्र तथा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था, विद्यालय को सैनिटाइज करना, साफ सुथरा रखना तथा विद्यालय में पालन करते हुए विद्यालय खुले, इन सभी को लेकर जब हमने श्रीमती फूलपति इंटर कॉलेज RS पब्लिक स्कूल पहुंचे और वहां के प्रिंसिपल से बातचीत किया, तो पता लगा कि विद्यालय खोलने को लेकर छात्र छात्रा ही नहीं बल्कि अभिभावक भी अपनी खास रुचि ले रहे हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधक को अपनी तरफ से सहमति पत्र प्रदान कर दिया है, जिससे उनके बच्चे विद्यालय पहुंचकर पठन पाठन शुरू कर सके। विद्यालय को 2 शिफ्ट में संचालित किया जा रहा है। कक्षा 9 की कक्षाएँ संचालित रही। विद्यालय को खोलने के लिए विद्यालय द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं। पिछले 7 महीनों से बाधित बच्चों की पढ़ाई अब शुरू हो गई है। कोविड-19 से बचाव में कितना कारगर यह स्कूल सिद्ध हो पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। जैसे कि पेपर के द्वारा पता चल रहा था कई दिन से कि 19 तारीख से विद्यालय चलेगा, खुलेगा, तो एक सप्ताह पहले ही हमने विद्यालय को धुलाया, सारे कमरे धुलाए, सैनिटाइज कराए। सैनिटाइज कराने के बाद में थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और पल्स चेकिंग के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है, जो जो भी आवश्यक होते हैं, मैंने परचेज कर लिया। और चूंकि अभी हमारा विद्यालय क्लास 8 तक ही था और मालूम चला कि क्लास 9 से 12 तक खुलेगा, लेकिन कुछ अभी आज एक सप्ताह पहले हमारे विद्यालय को CBSE बोर्ड से मान्यता मिली है, 9th क्लास चलाने की सम्मता मिली है, तो उसके तहत हमारे पास करीब 15 से 20 बच्चे थे। मैंने उनको इन्फॉर्म किया, उनके गार्जियन को इन्फॉर्म किया, उनसे सहमति पत्र पर साइन करा करके अपने पास जमा कर लिया और ये गाइडलाइन को पालन करते हुए आज विद्यालय हमने श्री गणेश किया और लगभग 15 से 20 बच्चे आए, जिनकी कक्षाएं में चल रही हैं, संचालित रूप में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको दूर दूर बैठा दिया है और टीचर भी जो है सावधानी बरते हुए हैं। सारे बच्चों की जांच की जा रही है, किसी को अगर जुकाम बुखार या ऐसा कुछ है तो उसका ध्यान रखा जा रहा है उनको। हम अभी तो चूंकि हमारी क्लास 9 की मान्यता हुई है, 9th मॉर्निंग शिफ्ट में जो शासन के अनुसार है पाली 2 पालियों में चलना है, तो मॉर्निंग क्लास में हमारी एक एक क्लास है, तो एक क्लास के बच्चे जो है मॉर्निंग सुबह आते हैं और उनका 11:30 बजे ओवर होता है विद्यालय, 11:30 बजे विद्यालय ओवर हो जाएगा।